आज हम बनाएंगे कुकरी जॉकी फॉक्सटेल मिलेट भजिया। इसके लिए हमें चाहिए कुकरी जॉकी का फॉक्सटेल मिलेट। आधा कप कुकरी जॉकी फॉक्सटेल मिलेट ले, इसे 2 कप पानी में 8 घंटे के लिए भिगो ले। उबलते हुए पानी में इसे मंदी आंच पर 10 मिनट के लिए पका ले। जब मिलेट उबलकर तैयार हो जाए तब इसे एक कटोरी में निकालकर ठंडा होने के लिए अलग रख दे। उबले हुए फॉक्सटेल मिलेट में 1/4 कप सच्चा साबु फरियाली आटा डालें। इसमें 1/2 कप ग्रेटेड लौकी डालें। मैंने यहाँ पे 1/2 कप लौकी को कद्दूकस करके ले लिया है। अब इसमें 1 बड़ा चम्मच अदरक, कुछ कड़ी पत्ते और 1 बड़ा चम्मच हरी मिर्च डालें। कड़ी पत्ता ऑप्शनल है, आप इसकी जगह पर धनिया का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब इसमें स्वाद अनुसार सेंधा नमक और 1 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर डालें। सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लें। वैसे तो इसके अंदर पानी की आवश्यकता पड़ती नहीं है क्योंकि लौकी ही काफ़ी होती है, मगर आप चाहें तो थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं। तलने के लिए तेल गरम करें और इसके अंदर सभी फॉक्सटेल मिलेट भजिया डाल दें। ध्यान रहे कि इन्हें डालते समय तेल अच्छा गरम हो, मगर हमें इन्हें पकाना मंदी आंच पर ही है जिससे कि अंदर से कच्चे ना रह जाएं। इन्हें डालते ही ना चलाएं वरना इनमें तेल भर सकता है। कम से कम 2 से 3 मिनट बाद ही कलछी चलाएं। इन्हें पलटकर दूसरी ओर से भी गुलाबी रंग आने तक पका लें। कुकरी जॉकी फॉक्सटेल मिलेट भजिया बनकर तैयार है। इन्हें गर्मा गर्म परोसें। आप इन्हें हरी धनिया पुदीना की चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं।